तो नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। जैसा कि आप देख रहे हैं, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी इसका जो करेक्शन विंडो है ओपन हो चुका है। तो करेक्शन विंडो में क्या क्या आप करेक्शन कर सकते हैं, कैसे करेक्शन कर सकते हैं, इस वीडियो के अंतर्गत वही हम देखने वाले हैं। तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाइए। ऑफिशियल वेबसाइट पर आने के बाद आप थोड़ा सा इसको स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे की तरफ आएंगे। चलिए नीचे की तरफ इसको देख लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि करेक्शन विंडो सीटेट 2024। आपको यहाँ जनरली आप यहाँ पर आपको जो है क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करते ही आपको एक नया इंटरफेस देखने को मिलेगा। जैसे क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा तो आप यहाँ पर आपको एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड और आपको ये जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है सिक्योरिटी पिन, यहाँ पर करके और इसके बाद यहाँ आपको साइन इन कर देना है। अगर आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं तो फॉरगेट पासवर्ड तो यहाँ पर क्लिक करके आपको अपडेट कर लेना है। और अगर रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन नंबर भूल गए हो तो यहाँ पर आपको फॉरगेट एप्लीकेशन नंबर पर क्लिक करके कर लेना है। तो चलिए पहले हम इसमें अपना एप्लीकेशन नंबर फिल करते हैं और पासवर्ड फिल करके आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ आपने फिल कर दिया और उसके बाद साइन इन पर आप क्लिक करके आगे बढ़ जाइए। अब तो ये आपके सामने आपका ये डाटा वहाँ पर जैसे आगे बढ़ा ये सारी चीज़ें खुल गई होगी। अब यहाँ पर डाउनलोड कन्फर्मेशन पेज, अगर आपने नहीं डाउनलोड किया तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हमारी कंप्लीट है। अब यहाँ पर देखिए, प्रेस दिस बिलो बटन टू प्रोसीड फर्दर फॉर करेक्शन, यानी करेक्शन के लिए आप यहां पर क्लिक करिए। करेक्शन इन एप्लीकेशन फॉर्म को क्लिक करना है यहाँ पर क्लिक करके, और आगे देखते हैं क्या क्या करेक्शन इसमें हो। जैसे वहाँ करेक्शन करें तो अभी यहाँ पर आ गया, ऑनलाइन करेक्शन हैज बीन स्टार्टेड फॉर सेंटर टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट सीटेट 2023। यू कैन एडिट योर डिटेल इज जो है रिक्वायर्ड करेक्शन एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ पर क्लिक कर दीजिए आप। अब यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करके आगे बढ़िए। हम जैसे वहाँ क्लिक किए होंगे तो आपको एक वेरिफिकेशन कोड आ गया होगा। अब यहाँ पर उस कोड को आपको दर्ज करना है, वन टाइम पासवर्ड और वेरीफाई एंड प्रोसीड फॉर करेक्शन पर क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। अब यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है क्लिक ऑन बटन बिलो प्रोसीड फर्दर एंड कम्प्लीट योर एप्लीकेशन फॉर्म, तो यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पहुँचने के बाद आपको लेफ्ट साइड में देखिए, लेफ्ट साइड में यहाँ ये दिखाई दे रहा है। तो जहाँ भी आप करेक्शन करना है जैसे पर्सनल डिटेल में, अभी यहाँ पर देखिए, यहाँ यहाँ पर आप हमारा एक एल जो है, एल के बाद जो है ए छूट गया था, तो उस ए को लगाने के लिए हमको यहाँ पर पर्सनल डिटेल पर क्लिक करना है। यहाँ पर जो जिसमें भी आपको करेक्शन करना है यहाँ पर करेक्शन करके फिर आगे बढ़ना है। तो यहाँ हम करेक्शन करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखते हैं, अब वहाँ जैसे आपने कर दिया फिर वही सिस्टम आपको कि यहाँ सिक्योरिटी पिन आपको फिल करना है और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। अब उसके बाद सीरियल वाइज आपका जैसे कि यहाँ पर बना हुआ है, ये आपको दिया हुआ, तो इस तरह से कॉलम बढ़ता जाएगा। आपको जहाँ जहाँ करेक्शन करना है करते हुए आगे बढ़ जाइए। तो अगर आपको यहाँ पर जैसे कि एग्जाम सिटी सेंटर में अगर आपको करेक्शन करना है तो वहाँ भी करेक्शन करके आगे बढ़ जाइए। आप यहाँ पर देख सकते हैं जैसे कि आप यहाँ पर उत्तर प्रदेश, अगर यहाँ पर मान लो किसी दूसरे स्टेट के हैं आप, जैसे कि यहाँ पर कहीं से भी हैं आप, मान लीजिए यहाँ यहाँ पर हरियाणा दिखाई दे, तो यहाँ पर हरियाणा पर उसके बाद यहाँ पर सिलेक्ट एग्जाम सेंटर, तो ये चीज़ आप यहाँ से करके इस तरह से भी आप इसको फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप चेंज करके आगे बढ़ते हैं और जो आता है उसके बाद आप दिखाते हैं। तो आप जैसे आगे बढ़ें कि ये चीज़ें आपको फिर से जो है अपलोड करनी है, तो यहाँ पर इसे अपलोड कर दीजिए जैसे आपने किया। वहाँ से अपडेट करके आप यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर अपने जो भी फोटो और सिग्नेचर आपने यहाँ अपलोड किया होगा उसे आप देख सकते हैं। आप चेंज करना चाहते हैं चेंज कर दीजिए, नहीं तो आप यहाँ सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करके आगे बढ़ जाइए। अब यहाँ पर देख सकते हैं हमने एक की मात्रा है वहाँ पर ये नहीं लगा हुआ, तो यहाँ करेक्शन के बाद यहाँ पर आपको फाइनली एल के बाद ये आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। तो इस प्रकार से फाइनल पेज है, फाइनल सबमिशन पेज है। तो अब इसके जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं और इसको स्क्रॉल कर नीचे आइए, जो भी यहाँ के ऑप्शन आएंगे उनको फिल करेंगे और हम आगे बढ़ जाएंगे। दोबारा से आपको इस चेकलिस्ट पर आपको क्लिक करने करके माई नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कैटेगरी, एग्जामिनेशन सिटी, कॉन्टैक्ट नंबर, अप्लाई फॉर, फोटो एंड सिग्नेचर, और यहाँ पर ये चीज़ें जो भी हैं आप इसको क्लियर करके आई एग्री पर क्लिक करके फाइनल सबमिशन के पेज पर क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ कह रहा है कि आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट द एप्लीकेशन फॉर्म, तो आप यहाँ पर येस कर दीजिए। अब यहाँ पर आपको डाउनलोड जो है दिखाई दे रहा है, ये डाउनलोड कन्फर्मे पेज, तो आप कन्फर्मेशन पेज को अब एक बार फिर से आप डाउनलोड कर लीजिए और डाउनलोड करके देख लीजिए कि हमारा क्लियर हो गया है कि नहीं। तो इस प्रकार से अगर आप भी अपने फॉर्म में कुछ भी करेक्शन आप करना है
तो आप यहाँ से जा करके और इस प्रकार से आप जो करेक्शन कर सकते हैं। तो जानकारी आपको पसंद आई हो, वीडियो अच्छा लगा हो, मित्रों के साथ शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम का जरूर तो वहाँ पर जुड़े, समय समय पर जो भी अपडेट होती हैं मैं शिक्षा संबंधित जानकारी इस पर लेकर उपस्थित होता रहता हूँ। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।